चीज के स्क्रू होते हैं। ड्रम होता है ना सर, हाँ, वो इसमें कसा हुआ आता है अच्छा, पासपोर्ट की वजह से। ठीक भाई, यूज़ के नहीं है ये, यूज़ के लिए कहीं आपको शिफ्ट करना है पासपोर्ट ले जाने मशीन कोई। पहले जब चली चली थी फुली ऑटोमेटिक, हमने IFB की ली थी 16,000 की, 3,000 रुपये में बेची थी। ये इनमें मतलब कपड़े में सफाई नहीं होती इनमें ना, जो सैनी में होती है अपने में। ये जो होते हैं ना कॉलर वॉलर होते हैं ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ये नहीं कर पाते। वाइट पे होता है ऐसा? हाँ हाँ, वाइट पे पहले थोड़ा सा सर ब्रश लगाना। अच्छा, इसमें मतलब फिक्स हो जाएगा हिसाब है, ये फिक्स हो जाएगा। तो सेमी के लिए दूसरी नल से ही लें पानी। हाँ जी, अच्छा अलग से चुटी यूज करनी है तो इस पाइप को हटा दीजिए। अच्छा, बस ऐसा करके निकल जाएगा और घुमा के लग गया। ठीक हाँ, ठीक देख ले, सीख ले। ये कहाँ पे लग रहा है? ये इधर बैक साइड में है, ये इधर इसके पीछे एक फिल्टर है, आप इसे निकालिए। हाँ हाँ, आप निकालियो कि ये आगे आपको ही काम आना है। ये वाला फिल्टर जी, हाँ ये निकाल दीजिए। घुमा के निकलेगा? हाँ बस सिंपल ऐसे निकल जाएगा, ऐसे खींच लीजिए। निकल गया, निकल गया ना। हाँ। ये हमारा डस्ट से ब्लॉक हो जाएगा ना। अच्छा, तो हमारी मशीन पानी कम लेगी। अच्छा, पानी का प्रेशर जो मशीन में आता है वो कम हो जाएगा, जिससे इसका टाइमिंग भी बढ़ सकता है। जब पानी नहीं लेगी तो वो कोई वर्क नहीं करेगी, तो साफ करना पड़ेगा। हाँ, फिर 15-20 दिन में एक बार इसे आप निकाल के साफ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अब ये परमानेंट लग जाएगा पाइप। हाँ, ये मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हो तो ना होगी। अच्छा, यूज करने में आपको अलग से। और ये वाला किस लिए, जो नीचे कौन सा ये ओपनर दे रखा है? ये तो मतलब ड्रेन का पानी निकालने के लिए होता होगा? नहीं, नहीं होता। इसमें भी फिल्टर होता है। अच्छा अच्छा, ड्रेन का पाइप छोटा नहीं है? कुछ करो।
बता दो परमानेंट लग गया ये कि वो हाँ ये निकल भी जाएगा निकल भी जाएगा जी मतलब हम निकाल सकते हैं जी यहाँ से एक तरफ दवाई अच्छा आपको टूटी अलग से यूज करनी है यूज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जब भी आप वाशिंग करने का पानी है ये जो डायरेक्ट सप्लाई है ये तो कभी कभी आएगा ये गीजर से कोई बात नहीं आप टैंकी हमने टैंकी से लगाया है ना ठीक है यहाँ से पानी जब भी वाशिंग करनी है पानी ऑन कर देना अच्छे 9 किलो की मशीन आपने परचेज की है यानी कि आप 9 किलो वेट तक इसमें कपड़े एक साथ डाल सकते हो डिटर्जेंट जो भी आप यूज करते हो कपड़ों के अकॉर्डिंग कितने कपड़े आपने इस मशीन के अंदर डाले हैं इस वाले बॉक्स में डाल दीजिए लेफ्ट वाले में अगर आप कोई सॉफ्टनर वगैरह यूज करते हो इजी वगैरह यूज करते हो कपड़े धोने के लिए तो इस वाले बॉक्स में डाल दीजिए लिक्विड जी ठीक है ये बॉक्स बंद यहाँ से डोर ओपन हो जाएगा ये तब आपका बिल्कुल खाली है ठीक है 9 किलो वेट तक आप इसके अंदर कपड़े डाल सकते हो एक साथ वो हमें ये सारे फंक्शन शो करेगी कि हमारी मशीन हम कौन से फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं कितने मोड है इसमें टोटल 14 मोड है 14 मोड ठीक है अच्छा क्या घंटे के लिए ये हो जाती है आइए बता देते हैं सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका कॉटन का ठीक जैसे कि घरों में सभी के अभी डेली वेज वाले कपड़े होते हैं पैंट शर्ट जो भी हैं तो आप उन्हें कॉटन पे धो सकते हो वो कितनी देर में धुल जाएंगे मैं टाइम मशीन ऑटोमेटिक जो आप इसमें कपड़े डालोगे ना हाँ। कपड़े जब इसके अंदर डाल दोगे चलने की कमांड दे दोगे तब आपको डिस्प्ले पे टाइम शो करेगी Okay. जो भी टाइम में दिखाएगी वो कम ज्यादा हम नहीं कर सकते आप भी नहीं कर सकते मैं भी नहीं कर सकता वो ऑटोमेटिक आएगा कि आपने कितना लोड मोटर के ऊपर दिया है कपड़ों का उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिखाएगा ठीक है कॉटन में आपके छोटे कपड़े हो गए जैसे पैंट शर्ट वगैरह सभी के गर्म होते हैं वो कॉटन पर आप धो लीजिएगा अगला आ गया आपका कॉटन प्लस का मतलब जैसे कि लेडीज की साड़ी होती है साड़ी दुपट्टा लंबे लंबे जो कपड़े होते हैं वो आप कॉटन प्लस का धो सकते हैं अगला आ गया वो टरोवास 59 डेली वेज वाले जो कपड़े होते हैं इनमें से किसी किसी फंक्शन पे यहाँ पे टाइमिंग शो कर देगा सभी पे नहीं करेगा यहाँ पे एक घंटा मशीन लेगी 59 मिनट और आपके डेली वेज वाले जो कपड़े हैं वो आपको धोके तैयार दे देगी यहाँ पे आप लाइटों से भी आइडिया लगा सकते हो कि ये वाश रिंस और स्पिन ये हमारे तीनों वर्क करेगी अगला आ गया मिक्स फैब्रिक आप सपोज कीजिए आपके घर में फिलहाल धोने के लिए कपड़े तो मैक्सिमम है नहीं लेकिन ऐसे है कि दो कपड़े हमारे पैंट शर्ट है टी शर्ट है लोअर है टॉवल है इस तरह के मिक्स हो गए हमारे तो आप मिक्स फैब्रिक में वो कपड़े एक साथ धो सकते हो तो मिक्स फैब्रिक में भी हम ये कॉटन प्लस के कपड़े डाल सकते हैं कि नहीं हाँ डाल सकते हैं मिक्स में आप कैसे भी डाल दीजिए अगला आ गया इजी केयर जैसे कि मॉल से जो कपड़े लाते हैं हाथ से धोने वाले जो होते हैं वो आप इजी केयर में धो सकते हो अब जो ये वाला सर्कल है ये एलर्जी केयर और बेबी केयर जिसका एलर्जी एलर्जी इसमें क्या है मशीन पानी को गर्म करेगी इन दोनों में स्टीम केयर साइकिल ये दोनों इन पे ये काम करेगी मतलब सैनिटाइजर टेंपरेचर ऑटोमेटिक लेती रहेगी सभी फंक्शन पे लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा गर्म करेगी जैसे कि सपोज कीजिए हमारे घर में कोई बीमार पर्सन है जिसके कपड़े हम अलग से धोना चाहते हैं ठीक है तो आप उसको एलर्जी केयर पे धो सकते हैं उनको अगला आ गया आपका बेबी केयर छोटा बेबी आपके घर में है उनके कपड़े भी आप धो सकते हो अलग से फंक्शन दिया हुआ है ये सारे क्लियर हो गए मैम आपको अगला आ जाते हैं हम डेलीकेट डेलीकेट का मतलब हो गया सर जैसे कि बहुत से कस्टमर क्या होते हैं जैसे कि डॉग कैट वगैरह पालते हैं अगर आप वो भी को उन्हें भी कपड़े पहनाते होंगे ठीक है अगर आप उनके कपड़े धोना चाहते हो तो आप डेलीकेट में धो सकते हो उनको अदरवाइज नहीं है घर में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप 10 साल से छोटे बच्चों के कपड़े डेलीकेट में धो सकते हो 10 साल से छोटे बच्चों के मतलब ज्यादा गंदे जिनके हो जाते हैं लगभग जी सर अब सर्दियां आ गई हैं सर तो वूलन के कपड़े सबके घरों में निकल जाएंगे ठीक
तो आप वूल के कपड़े आपने अलग से धो सकते हो, वूल वाले ऑप्शन तो पानी मतलब गर्म कर देगा उसी हिसाब से। हाँ जी हाँ जी, वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर अपना आप करती रहेगी, कितना कौन से फंक्शन में कितना टेम्परेचर करना है वो ऑटोमेटिक रहेगी। स्पोर्ट्स वियर में जैसे कि सर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लोअर टी शर्ट सभी घर में होते हैं, पसीना वगैरह आता है तो लोअर टी शर्ट जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं वो आप स्पोर्ट्स वियर में अलग से धो सकते हो। ठीक। स्पीड 14, इसमें सिर्फ मशीन तीनों वर्क करेगी, मात्र 14 मिनट का टाइम देगी। तो ये किस तरह के कपड़े धोने के, ये इस तरह के कपड़े होते हैं जैसे कि आपको कोई कपड़ा रखे रखे उन पर थोड़ा डस्ट वगैरह हो गया है, पहने तो है नहीं वैसे तो बंदे हुए नहीं, बस आपको रिफ्रेश करने हैं, तो आप इस मशीन में डाल दीजिए उसको और स्पीड 14 पे फंक्शन पर ला के उसको ओके चला दीजिए, 14 मिनट का टाइम लेगी, उसमें रिफ्रेश हो जाएंगे आपके कपड़े। ये बहुत से कपड़े हमारे रखे रहे थोड़ा धूल मिट्टी उनके ऊपर लग जाती है, वो बस पानी में से हमें रिफ्रेश करने हैं उस ऑप्शन के लिए या फिर नए कपड़े या सिंधुलते जाके। हाँ जी। अगला आ गया सर आपको डुवेट का, कंबल, बेडशीट, सोफा कवर, इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो आप डुवेट में धो सकते हैं सर, यहाँ तक कि जैसे कि आप जैकेटें भी आप यूज करेंगे सर्दियों में तो वो भी आप डुवेट में धो सकते हैं। मतलब नाम ही बता रहा है डुवेट जी। अगला ऑप्शन आ गया आपका टब क्लीनिंग का, वो इस टब की क्लीनिंग के लिए होता है, इसकी साफ सफाई के लिए। एक वो आता पाउडर बता रहे थे, वो डिस्केल पाउडर आता है वो आप परचेज कर लीजिएगा। तो वो मतलब कब कब करना पड़ेगा क्लीन, कब कब करना पड़ेगा क्लीन? वो सर हमारा करता है डिपेंड 30 से 40 बस जब हो जाती है मशीन कर चुकी होती है उसके बाद सर। ठीक। बस ये है कि करते रहेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगी मशीन हमारी, क्लीनिंग तो सर सबके लिए अच्छी होती है। ठीक है सर, टब क्लीन के ऑप्शन पे लाके इसी बॉक्स में हमें वो डिस्केल केमिकल डाल देना है। ठीक। यहाँ से स्टार्ट की कमांड दे देंगे मशीन को। ठीक है सर। ठीक। और जैसे कप है, कॉलर है, ये गंदे होते हैं। हाँ। और मशीन चल रही है तो खोल के कर सकते हैं? नहीं कर सकते है? वो पहले ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा। क्योंकि चलती मशीन को अगर हम इसे खोल देंगे ओपन कर देंगे तो सारा पानी जो है वो बाहर आगे से निकल आएगा। ठीक है ना। अगला है डाउनलोड साइकिल, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारी दो लाइट शो हो रही है, इसमें बास की लाइट नहीं है, ये देखिए बाकी सभी सभी में आएगी तीनों। ठीक है सर, लेकिन सिर्फ इसमें नहीं आएगी, इस वाले डाउनलोड साइकिल का मतलब हो गया हमारा ये मशीन हमारी वाश नहीं करेगी, आपने अलग से कपड़े धो लिए हैं बाहर से ही, बाहर से धोने के बाद आपको रिंस करना, स्पिन करना, मशीन के अंदर डाल दीजिए। चौकी नहीं मंगाई इसकी, चौकी की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है सर, अब एक फंक्शन और है इसका, आपने कपड़े बाहर धो लिए, बाहर ही आपने साफ पानी में से रिंस कर लिए, आपको सिर्फ सुखाने हैं, तो हम यहाँ से मशीन को ऑन करेंगे, ये स्पिन है यहाँ टच पैनल पे, स्पिन प्रेस करेंगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक। इस फंक्शन में सिर्फ हमारी मशीन कपड़े को ड्राई करेगी, सुखाएगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक। स्पिन के लिए बस। स्पिन तो ये मतलब इनमें टाइम सारा ऑटोमेटिक ही है। टाइम सारा ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, जो शो होगा जी जी जी, जिसमें जो लेगी वो टाइम लेगी, और जिसमें नहीं शो हो रहा है वो वेट के अकॉर्डिंग टाइम आएगा मशीन में, कपड़ों को जो वेट डालेंगे मशीन के अंदर उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगी, तो उस टाइम को कम ज्यादा आप ही नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब ये अच्छा होता है तो एक ये फिल्टर और इसके नीचे जब भी हम मशीन में कपड़े धोते हैं, जैसे हमारे जैसे सपोज कीजिए हमारी शर्ट में से कोई बटन टूट गया या हमारी जेब में कोई कॉइन रह गया तो वो आपका मशीन के यहाँ से निकल के इस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, वो कॉइन वाइन जो भी है आप यहाँ से इसको फिल्टर को बस छोड़िए, इसमें थोड़ा खोलिए और यहाँ से वो निकल जाएगा, चलती मशीन में कभी भी अंदर से ना करेगा, जब मशीन को आपने रोक दिया हो तो पूरी फिनिश हो जाओ ताकि आपने हाथ में कुछ लगे ना। ठीक। ठीक सर, पंप होता है वो चलता है और यहाँ से ये टाइट हमें करते हैं ताकि यहाँ से पानी लीक ना हो। जो बैक साइड का फिल्टर था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था।